अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक के स्तर पर इस पर लिखने में क्यों कोताही बरती गई, क्यों हमने इसको केवल उपचार तक सीमित रखा, अवेयरनेस के कार्यक्रम से क्यों हम लोग वंचित रहे। और मुझे लगता है कि एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा और खासतौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज को, हमारे जो चिकित्सा शिक्षा के छात्र हैं, ये केवल बीआरडी मेडिकल कॉलेज और बीआरडी मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी और लेबोरेटरी तक सीमित न रह करके इनको ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के भी वहां देखना चाहिए कि वास्तव में बीमारी का कारण क्या है। अगर पेशेंट उसी नगर से आ रहा है तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के छात्र वहां भी विजिट जाकर के करें, बीमारी का कारण क्या है, इन लोगों का रहन सहन क्या है, और फिर इससे संबंधित प्राध्यापक के नेतृत्व में रिसर्च पेपर लिखे जाए और बीआरडी मेडिकल कॉलेज इसे अपने उसके साथ जोड़ करके रखे। आप देखना, आपकी जब नैक की रैंकिंग होगी या किसी भी मूल्यांकन के साथ आप गुजरेंगे, आपकी रैंकिंग में बेहतरीन सुधार होता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए हर एक बीमारी के साथ, हर एक पेशेंट के साथ, या बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पास मरीजों की कमी नहीं है लेकिन रिसर्च का अभाव है, पब्लिकेशंस का अभाव है, पेटेंट करने की दिशा में हमने क्या काम किया है इसका अभी अभाव यहां पर दिखता है। और इस दिशा में बेहतरीन प्रयास को आगे बढ़ाने का मैं आह्वान करूंगा। एक नंबर दो, मैं आह्वान करूंगा कि यहां पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जो पास आउट हुए हैं, ऐसे तमाम वरिष्ठ चिकित्सक यहां पर आए होंगे देश से भी दुनिया से भी, और उन सबका मैं आह्वान करूंगा आप भी अपने अनुभव का एक रिसर्च पेपर इन लोगों को दीजिए। और मैं आयोजन समिति से कहूंगा कि वह सबका पब्लिकेशन करा करके उसकी प्रति राज्य सरकार को भी उपलब्ध करवाए। राज्य सरकार उन सुझावों को देखेगी भी और उनके अनुभव को भी देखेगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सरकार एक ही अपेक्षा रखती है, और अपेक्षा यह रखती है कि अगर सरकार यहां पर अच्छी चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए मंच दे रही है, उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है, तो बदले में दो अपेक्षाएं रखती हैं। एक अपेक्षा कि यहां से निकला हुआ चिकित्सक जहां भी शासन की व्यवस्था या उसकी अपनी व्यवस्था हो वहां इस फील्ड में बेहतरीन कार्य करें, और दूसरा वह इस फील्ड में आगे जाकर के नए नए शोध को, रिसर्च को आगे बढ़ाने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करें। अगर हमने चिकित्सा जैसे क्षेत्र में, चिकित्सा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य को बाधित कर दिया, हम पिछड़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार के कदम बढ़ाने पड़ेंगे, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। और इस पर मैं आह्वान करूंगा कि आप सबके पास अपने अनुभव होंगे, आप सबके पास अपने जीवन का एक लंबा अनुभव हो चुका है, 50 साल कम नहीं होता जी। इन 50 वर्षों के इस अनुभव पर आधारित अपना आर्टिकल लिखिए और चिकित्सा शिक्षा के लिए अपने अपने क्षेत्र को ध्यान में रख करके कुछ अच्छे आर्टिकल आप लिख के देंगे, हम लोग उस पर विचार करेंगे, सरकार के स्तर पर भी उस पर मंथन होगा, और फिर इस दिशा में क्या कार्यक्रम बढ़ाने हैं उस पर भी हम लोग, इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। तीसरा, बीआरडी मेडिकल कॉलेज और एम्स के बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़नी चाहिए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन अच्छा विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएगा, अब इस पे एक प्रतिस्पर्धा हमारी खड़ी होनी चाहिए। आज आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई अभाव नहीं है, फैकल्टी का अभाव भी नहीं है, और मैं चिकित्सा शिक्षा से भी कहूंगा, सबसे कहूंगा, हम वही पाठ्यक्रम प्रारंभ करें जिनमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, जिनमें हमारे पास फैकल्टी हो और पर्याप्त मात्रा में मैन पावर हो, और उन पाठ्यक्रमों को पूरी तन्मयता के साथ जोड़े, और जिस समाज के माध्यम से हम ये जानकारी ले रहे हैं उस समाज के प्रति भी हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अगर करना प्रारंभ करेंगे, बेहतरीन परिणाम आएगा। और मैं मानता हूं बेहतरीन केंद्र बन सकता है यहां पे। रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में है, देश के अंदर किसी भी मेडिकल कॉलेज में संभवतः इस प्रकार का सेंटर आपको देखने को नहीं मिलेगा।
लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर में है, सीआरसी गोरखपुर में है, हम इसका बेहतरीन उपयोग करें। और हमारा प्रयास होना चाहिए कैसे हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसके अलावा आपने देखा होगा अगर इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई कारण नहीं कि आज के दिन पर मेडिकल हेल्थ के लिए कुछ भी असंभव, यानी हर चीज संभव हो सकती है और हर एक कार्य को संभव बनाने की दिशा में हमें अपने प्रयास को तेजी के साथ आगे बढ़ाने पड़ेंगे। एक चिकित्सक की विश्वसनीयता, उसकी पहचान होनी चाहिए, आम जनमानस में उसकी स्वीकार्यता, उसकी पहचान होनी चाहिए। मैं देखता हूं गोरखपुर में जब मरीज आता है, नेपाल से आता है, बिहार से आता है, नाम पूछ के आता है, मुझे फलाने डॉक्टर के पास जाना है, फलाना डॉक्टर अगर उस दिन उपलब्ध नहीं, वेट करता है होटल में, धर्मशाला में रूम लेकर के रहता है और डॉक्टर से फिर वापस दिखा करके कंसल्टेशन लेकर के दवा लिखा करके जाकर के अपना उपचार अपने घर में भी करा देता है। ये विश्वास है, ऐसा नहीं कि उस चिकित्सक ने अपना प्रचार कर रखा है, लेकिन जिस डॉक्टर ने अच्छा काम किया है, अपने फील्ड में पूरी मेहनत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ काम किया है, उसकी अपनी पहचान भी है। और मुझे लगता है उस पहचान को आगे बढ़ाने का एक वक्त हम सबके सामने आया है। हमारी पहचान हमारे कार्यों के माध्यम से हो, हमारे द्वारा किए गए इस फील्ड में रिसर्च के माध्यम से हो, इस फील्ड में किए गए हम बेहतरीन उपलब्धियों के माध्यम से हमारी पहचान बने। और उस दिशा में मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, रियाड़ी मेडिकल कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होनी पाए होने दी जाएगी, किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की कोई कमी रियाड़ी मेडिकल कॉलेज को नहीं होने देंगे। और आज के दिन पर तो राज्य सरकार जिस दिशा में कदम बढ़ा रही है, पहले गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, अयोध्या, आजमगढ़ कमिश्नरी में अकेले गोरखपुर में ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, यानी लखनऊ के पूरब में अगर आप आएंगे तो गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, वाराणसी में बीएचयू का अपना मेडिकल सेंटर था, या फिर प्रयागराज और बरेली में मेडिकल कॉलेज थे, कानपुर में थे, झांसी और आगरा में था, मेरठ में था, यही तो पुराने मेडिकल कॉलेज थे। और इतना अच्छा अवसर आज यहां पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, महाराजगंज में पीपीपी मोड पर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के